नमस्कार दोस्तों दोस्तों वीर्य जो है इसका रंग पीला होने पर मेडिकल भाषा में इसे येलो सीमेन कहा जाता है। आमतौर पर वीर्य वाइट ग्रे रंग का होता है, लेकिन कभी वीर्य का रंग बदला हुआ भी नजर आ सकता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपने वीर्य का रंग लगातार बदला हुआ नजर आता है। वैसे तो ऐसा होना चिंता का कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में वीर्य का बदला रंग चिंता का विषय हो सकता है। वीर्य में पीलापन नजर आना भी कुछ ऐसा ही है। तो आज इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे कि वीर्य का रंग पीला होने के पीछे क्या कारण होता है और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पीला वीर्य होने का क्या कारण है। तो दोस्तों वीर्य का रंग पीला होने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है अधिक उम्र। उम्र बढ़ने के साथ वीर्य के रंग में भी बदलाव आता है और इसका रंग हल्का पीला हो सकता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों का सेवन। कुछ खास खाद्य पदार्थ और मसाले जैसे कि हल्दी, प्याज, लहसुन और शतावरी में मौजूद रंग या सल्फर इजेक्यूलेशन को अस्थायी रूप से पीला कर सकता है। वहीं जैसे ही ये खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो सीमेन का रंग पहले की तरह वाइट या वाइट ग्रे हो जाता है। उसके बाद जो कारण है वो है पेशाब आना। इरेक्शन की वजह से यूरिन सिस्टम ब्लॉक हो सकता है, जिससे सिर्फ सीमेन ही बाहर आ सकता है। वही स्खलन के दौरान मूत्र मार्ग में बचे हुए मूत्र के कुछ अंश वीर्य के साथ मिल सकते हैं, जिससे कि वीर्य पीला नजर आ सकता है। उसके बाद एक कारण है धूम्रपान। सिगरेट में मौजूद निकोटीन के कारण नाखून और त्वचा का रंग पीला या भूरा हो सकता है और इसी तरह से वीर्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और एक होता है दवाएं या सप्लीमेंट्स। एंटीबायोटिक्स या विटामिन जैसे कि विटामिन बी के सेवन से भी वीर्य का रंग पीला होने की आशंका बढ़ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनके कारण वीर्य पीला होता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कारण वीर्य का रंग पीला हो सकता है, जिसमें सबसे पहली है पीलिया। पीलिया से ग्रस्त मरीज के रक्त में बिलीरुबिन बढ़ जाता है और अब ऐसी स्थिति में जब रेड ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं तो प्राकृतिक रूप से पीले रंग के पिगमेंट बनने लगते हैं। लीवर शरीर से बिलीरुबिन को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि ब्लड सेल्स बहुत तेजी से टूटने लगते हैं या हेपेटाइटिस जैसी बीमारी शुरू हो जाए तो ब्लड में बिलीरुबिन का निर्माण हो सकता है और ऐसी स्थिति में त्वचा और आंखों का सफ़ेद भाग पीला हो जाता है। वही पुरुष सीमेन में भी पीला रंग जो है वो नोटिस कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो है दोस्तों इन्फेक्शन। प्रोस्टेट ग्लैंड में मौजूद बैक्टीरिया प्रोस्टेटाइटिस नाम के इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से भी सीमेन का रंग पीला हो सकता है। उसके बाद एक कंडीशन है पायोस्पर्मिया। पायोस्पर्मिया यानी कि ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया तब होता है जब सीमेन में कई वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके कारण सीमेन का रंग पीला हो सकता है। और एक होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो क्लेमाइडिया, जेनाइटल हर्पीज, गोनोरिया और अन्य एसटीडी के कारण सीमेन का रंग पीला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीले के अलावा सीमेन का रंग ब्राउन या रेड और हरे रंग का भी हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीले वीर्य का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों वीर्य का रंग पीला नजर आने का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि इसके पीछे कारण क्या है। यूरिन रिटेंशन और पीलिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर उस स्थिति का इलाज करेंगे जिसके कारण यह समस्या हो रही है। अगर किसी को ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया है तो एंटीबायोटिक्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं या कुछ सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। एसटीडी और प्रोस्टेट इन्फेक्शन के उपचार में एंटीबायोटिक्स ही उपयोग किए जाते हैं और कुछ गंभीर मामलों में इस समस्या का कारण बनने वाली स्थिति को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीले वीर्य से बचने के लिए आप क्या करें। तो कुछ नियमों का पालन करने से वीर्य में पीलेपन को आने से रोका जा सकता है, जैसे कि उच्च सल्फर से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, धूम्रपान को हमेशा के लिए छोड़ दें और एसटीडी से बचने के लिए हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। और बात की जाए कि आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, तो अगर वीर्य में पीलेपन के साथ कुछ और प्रकार की समस्या भी महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि इजेक्यूलेशन के दौरान दर्द महसूस होना, पेट दर्द महसूस होना, अधिक थकावट महसूस होना, यूरिन से तेज गंध आना, यूरिन में सीमेन की मात्रा ज़्यादा आना, बार बार पेशाब आना, पेशाब करने के दौरान दर्द महसूस होना, लोअर बैक पेन महसूस होना, बुखार आना या तेज ठंड लगना या फिर पीलिया होना। तो दोस्तों वीर्य का रंग पीला होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर मरीज को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा किस कारण से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से बात करना बेहतर विकल्प है। दरअसल मरीज की मेडिकल कंडीशन और शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर दवा देते हैं ताकि मरीज को बेहतर लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और
बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।